तो आप ये कितनी भयंकर ढलान है यार, तो इसको चढ़ के आए हैं तो वो देख सकते हो आप, वो आ रहा है, बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बूंदी का एक अद्भुत किला, और इसकी ऊंचाई है लगभग कुल 1426 फीट, और यह एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है। तो यह है कुछ गढ़ के बारे में डिटेल, यहाँ पे पढ़ सकते हो। और अब हम टिकट लेंगे, टिकट है गाइस 80 रुपये का, देख सकते हो। फ्रेंड्स चलते हैं अब अंदर तारागढ़ फोर्ट के अंदर और देखते हैं अंदर का सीन, और बहुत मज़ा आने वाला है यार, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हो ये इमारत, ये गढ़ के हम अंदर आ चुके हैं, तो आते ही हमें ये कुछ ऐसा सीन देखने को मिला है, तो देख सकते हो आप। अब मैं आपको पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ। फ्रेंड देख सकते हो हम तारागढ़ फोर्ट पे अब चल रहे हैं, तो ये देख सकते हो यानी बहुत ही ऊंचाई पे है यार ये। तो आप गणेश जी का मंदिर मंदिर है, तो चलिए चलते हैं वो आगे। हम आए हाथी पोल, और महल के द्वार हाथी पोल पर बनी विशाल हाथियों की जोड़ी भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। हम आ चुके हैं हाथी पोल, ये देख सकते हो आप, यानी ये बहुत ही सुंदर है यार हाथी पोल, तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। यह है कुछ हाथी पोल के बाहर का अद्भुत नज़ारा, देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसके अंदर चलते हैं अब हम। हम आ चुके हैं हाथी पोल के अंदर, तो ये देख सकते हो आप, और ये राजा का सिंहासन, वो ये रहा, यहाँ पे राजा जी बैठते थे अपने मंत्रियों के साथ। तो ये है छत्र महल, जो एक पिल्लरों से बना हुआ है, देख सकते हो आप कितना अद्भुत दृश्य है ये भी। हम आ चुके हैं छत्र महल, ये देख सकते हो आप यार, ये पिल्लर, जो पिल्लर देखिए आप कैसे बनाए हुए हैं, अद्भुत है यार। और ये जो हाथी यानी जो कलाकृति है ना पहले की, वो अद्भुत है यार, पहले की कारीगरों की जो, वो खतरनाक है भाई साहब। इसमें अब आपको ऐसा व्यू दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप कहोगे वाव यार, वाव निकलेगा आपके मुंह से। तो चलिए देखते हैं वो वाला व्यू। तो अब आप देख सकते हो सिटी का कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, और वो ये कितना विशाल दुर्ग है, ये देख सकते हो सिटी आप, और ये दुर्ग कितना फैला हुआ है। तारागढ़ दुर्ग अरावली की ऊंची पहाड़ियों में से एक नाग पहाड़ी पर बना एक शानदार दुर्ग है, वाव अमेजिंग। अब हम आए हैं फूल महल, तो ये देख सकते हो फूल महल, और ये देखिए ये पूरा फूल महल है यार, फूल महल का पीछे से आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो अब आप देख रहे हो फ्रेंड्स फूल महल, इसे फूल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी इसकी दीवारों पे इतनी आकृतियाँ हैं फूलों की, ये देख सकते हो आप, ये भी एक अद्भुत है। तो अब हम चल रहे हैं बादल महल। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है पूरे, यानी पूरे हॉल में एक घर टाइप का एक हॉल है, वो देख सकते हो आप, यानी यार अद्भुत नज़ारा लग रहा है ये। और सीरियसली मैं अकेला है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा डरावनी डरावनी फीलिंग आ रही है यार। और व्यू देखिए आप यार, सीरियसली यार ये देखिए आप, क्या शानदार व्यू है इधर का। तो अब चलते हैं और आगे। तो अब हम जहाँ आए हैं वहाँ पे हमें कुछ गाइड ने बताया कि ये जो पिल्लर आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जाती थी, और यहाँ पे उन्हें गर्दन में रस्सी से लटकाया जाता था। तो ये भी यार अनोखा है। तो ये जो आप चढ़ाई देख रहे हो वो काफी कठिन है, ये बहुत ही ऊंचा दुर्ग है, देख सकते हो। अब हम आए हैं गाइस तारागढ़ फोर्ट के एक अदृश्य जगह पे, तो वहाँ का सीन दिखाता हूँ मैं आपको पीछे के कैमरे से, तो देखना, देखो यार। तो अब हम आए हैं चित्रशाला महल, तो ये देख सकते हो आप चित्रशाला बूंदी महल, ये कितना विशाल है और कितना बड़ा है और कितना ही खूबसूरत है देखने में। ये बहुत ही अच्छा और एक सुंदर चित्रशाला महल हमें दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप। ये पूरा ही जंगल है, और हम ये पूरा जो गढ़ है ना वो एक ही डूंगर पे बना हुआ है। तो अभी हम जो अभी दिखाया था आपको वो तारागढ़ फोर्ट नहीं था, यानी वो जो रानी का महल, राजा के उठने बैठने के, वो जो वो वगैरह वगैरह जो चीज़ें दिखाई थी। तो हम चल रहे हैं तारागढ़ फोर्ट, और ये देख सकते हो आप पूरा ही जंगल है ये। तो ये रास्ता कितना कठिन है यार, यानी यहाँ पे जरा सी अगर हमने गलती करी ना तो सीधा ही पैर फिसल जाएगा, और वो हम यानी कुछ होने हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप कितना डेंजर है यहाँ की चढ़ान। तो अब चलते हैं अब तारागढ़ फोर्ट के ऊपर, तो
ये देखिए रास्ता देखो आप यार, कितना भयंकर है, कितना अद्भुत है ये। देख सकते हो आप कि कैसा कैसा रास्ता है ये, और राजा जो राजा थे वो कैसे जाते होंगे यहाँ से। बहुत कठिन है यार रास्ता ही, क्योंकि ये पूरा ही देखो आप चट्टाने, जगह जगह पूरा ये जंगल है। ये रहा तारागढ़ फोर्ट, अभी भी नहीं आया यार, चढ़ाई बहुत कठिन है यार, ये देख सकते हो आप। अभी तो और जाना है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं दूध महल, पहले वहाँ हो जाते हैं फिर चलते हैं तारागढ़ फोर्ट। अब हम आए हैं दूध महल। महलों के भी नाम तगड़े तगड़े हैं ना यार, अजीब है लेकिन अच्छे हैं। पहले ऐसे ही नाम होते थे, तब हम आपको दिखाते हैं दूध महल। देख सकते हो आप दूध महल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल दूध का नाम निशान नहीं है। तो चलते हैं अब, दिखाने दी करना। फाइनली हम आ चुके हैं अब तारागढ़ फोर्ट, और अब आपको दिखाएंगे रानी महल। हम आपको दिखाएंगे रानी महल, तो चलिए देखते हैं रानी महल कैसा है और कैसा नहीं है। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड रानी महल, और रानी महल एक छोटा और खूबसूरत महल है जो राजाओं की रानियां और प्रेमिकाओं के रहने के काम आता था। तो देख सकते हो आप ये रानी महल, अद्भुत है ये भी। तो फ्रेंड सीरियसली हमें कोई आइडिया नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, और ये एक बिल्कुल अंधेरा गप है। हमने सारे दोस्तों ने सबके मोबाइल के फ्लैश ऑन कर ली है, और यहाँ पे एक छोटा सा कबूतर था उसने हमें इतना डराया बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एकदम अंधेरा है। और यहाँ पे जो आप सीन देखोगे, ये जो रानी होती थी यहाँ से देखती थी कि नीचे कौन है कैसा है जो भी है मतलब वगैरह वगैरह। देख सकते हो हम आ चुके हैं रानी महल, और हमारी भाई फटी पड़ी हुई है यार, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें डर लग रहा है। यहाँ पे खंडर बहुत है, और वाकई में एक सा यानी भूतिया स्टोरी बन जाए यहाँ पे, ऐसा सीन वाकई में भी दिख रहा है। तो देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप रानी महल, मुझे लगता है शायद रानी यहाँ से ही देखा करती थी, और ये कुछ रूम है उनके। तो ये भी बहुत बड़ा है यार रानी महल, देख सकते हो आप, यानी यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे सिवा। तो हमारे क्या है, थोड़ा अजीब सा डर भी लगता है ना यार, अकेला सुनसान है, पूरा खंडर टाइप हो रहा है। तो ये देख सकते हो आप पूरा ही यार, ये एक एक चीज। तो ये देख सकते हो आप पहले के जमाने के जो भी कला कृति है वो देख सकते हो आप, एकदम सुनसान हो रहा है पूरा यार, जग सोना सोना लगे। ये है कुछ रानी महल, रानियां यहाँ पे बैठ के अपने बाल निहारती होंगी। को हम दिखाएंगे पहले के राजा के टाइम के मंदिर कैसे हुआ करते थे। तो यहाँ पे मूर्ति तो नहीं है किसी भी गॉड की, पर ये पहले के मंदिर हुआ करते थे। तो ये देख सकते हो आप, ये पहले के मंदिर थे राजा के टाइम के, और ये देखिए ये परिक्रमा वाला है। अरे पूरा ही जंगल है पीछे, एक अद्भुत नज़ारा है यार। अब आपको ऐसी बावड़ी दिखाने वाला हूँ जहाँ का पानी एकदम साफ अवस्था में है। तो ये देख सकते हो यार, और मेरी समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे पानी कैसे लाया जाता होगा। पहले जब राजा लोग रहते थे कि पानी पहाड़ पे तो होता नहीं है, तो ये नीचे से लाते होंगे, तो इनको ये कैसे लाते थे वगैरह, बहुत सारे सवाल है यार दिमाग में। तो आप पहले ये देखें बावड़ी का सीन। महल के पास ही यहाँ में कुंड देखने को मिला, हो सकता है यहाँ पे रानी और उनकी प्रेमिका राजा की नहाया करती थी, और ये एक अद्भुत दृश्य है ये भी। तो देख सकते हो आप, तो अब हम देखने वाले हैं एक अनोखा नज़ारा यानी झील का नज़ारा, चलिए देखते हैं। मैं आपको ऐसा लोकेशन दिखाने वाला हूँ जो वाकई में अद्भुत है यार, शब्द कम पड़ जाएंगे उसके लिए। तो देखो अब हम चल रहे हैं भीम बुर्ज, तो चलिए चलते हैं। अब आप देख सकते हो ये ढलान, वाह ये देख कैसी कैसी जगह पे आ रहे हैं रे अपन, चढ़ चढ़ के पागल हो गए भाई साहब। तो आप ये कितनी भयंकर ढलान है यार, तो इसको चढ़ के आए हैं, तो वो देख सकते हो आप वो आ रहा है, बहुत ही हालत खराब हो चुकी है। ये जो दृश्य है ना, मेरा ही नहीं आपका भी मन मोह लेगा।
ये ऊपर से इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर, बहुत ही ज़्यादा। और यह लेक सागर झील है, ये देख रहे हो आप, ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। कुछ बूंदी जिले का तारागढ़ फोर्ट, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो तो एक बार तो ज़रूर आइए यार, क्योंकि बहुत ही अच्छा गढ़ है ये, और ये काफ़ी पुराना है। क्योंकि आप यहाँ पे हमने एक एक चीज़ देखी है, यहाँ पे आपको पेंटिंग, मतलब पुराने खंडर और महल वहल, राजा के वो हैं बैठने की जगह, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई इतनी मेहनत करता है तो यार इतना तो बनता है यार। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, कुछ अच्छा लेके आएंगे, अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।